नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आपको एक किचन बना के दिखाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले हमें 5 रेड कलर की बीड्स लेना है और इस तरह से नॉट लगा के एक रिंग बनाना है। अब हमें 5 बीड्स लेना है और यहाँ से 2 रेड बीड के अंदर से नीडल को निकालना है। अब हम 4 बीड्स लेंगे और अभी जो हमने रिंग बनाया है उसी रिंग से एक बीड और नीचे से 2 बीड के अंदर से टोटल 3 बीड के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से 4 बीड्स लेंगे और यहाँ से इस व्हाइट बीट के अंदर से और यहाँ से 2 रेड बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से 4 बीट्स लेंगे और यहाँ से व्हाइट बीट और यहाँ से 2 रेड बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। अब हमें इस साइड के साथ इस साइड को ज्वाइन करना है और बीच में सिर्फ 1 रेड बीट है, इसलिए हमें इस साइड की व्हाइट बीट के अंदर से भी नीडल को निकालना है। अब हम 3 बीड्स लेंगे और इस साइड की व्हाइट बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे और यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें सेकेंड स्टेप को कंप्लीट करना है। अब हम थर्ड स्टेप स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम पहले 5 बीड्स लेंगे और यहाँ से एक व्हाइट और 2 रेड बीड के अंदर से नीडल को निकालेंगे। हम 2 रेड बीड लेंगे और अभी जो हमने रिंग बनाया था उसी रिंग से 1 रेड और यहाँ से 2 रेड बीट और 1 व्हाइट बीट, इस तरह से 4 बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। अब हम 4 बीट्स लेंगे और अभी जो हमने रेड कलर की रिंग बनाई है उसी रिंग से 1 बीट और यहाँ से 1 व्हाइट, 1 रेड और 1 रेड, इस तरह से 4 बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। अब हम फिर से 2 रेड बीट लेंगे और इस रिंग से 1 रेड बीट और यहां से 2 रेड बीट और 1 व्हाइट बीट, टोटल 4 बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से 4 बीट लेंगे और इस रेड कलर की रिंग की 1 बीट और यहाँ से 1 व्हाइट और 2 रेड, इस तरह से 4 बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से 2 रेड बीट लेंगे और यहाँ से 1 रेड बीट और नीचे से 2 रेड, 1 व्हाइट, टोटल 4 बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। अब 4 बीट लेंगे और रेड कलर की रिंग से 1 बीट, यहाँ से 1 व्हाइट और 2 रेड बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से 2 रेड बीट लेंगे, यहाँ से 1 रेड बीट और नीचे से 3 बीट के अंदर से, टोटल 4 बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। अब 4 बीट्स लेंगे और इस रेड कलर की रिंग से 1 बीट और नीचे से 3 बीट, टोटल 4 बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। अब हमें देखिए नीचे 2 रेड बीट है और हमें इस साइड के साथ इस साइड को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हम थ्रेड को यहाँ से और 1 रेड बीट के अंदर से निकालेंगे।
थी। इस रेड बीड के अंदर से नीडल को निकाल के यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे। इसी तरह से हम थर्ड स्टेप को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस स्टेप में एक बार व्हाइट और रेड से रिंग बनेगा, एक बार फाइव रेड बीट से रिंग बनेगा, फिर से व्हाइट और रेड से रिंग बनेगा और फिर से सिर्फ फाइव रेड बीट से रिंग बनेगा। अब हम यहाँ से फोर्थ स्टेप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो फाइव रेड बीट से रिंग है हम यहाँ से स्टार्ट करना है। नीडल को हम इस व्हाइट बीट के अंदर से निकालेंगे, यहाँ पे तीन बीट्स लेंगे और इस साइड की व्हाइट बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। इस तरह से सिक्स बीट से रिंग बनेगा। अब हम नीडल को यहाँ पे जो रेड कलर की बीट है इस रेड बीट के अंदर से निकालेंगे। सिर्फ रेड बीट से रिंग बनाएंगे यहाँ पे। तो इन दोनों रेड बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे फाइव रेड बीट से एक रिंग बनेगा। और अब हम नीडल को फिर से व्हाइट बीट के अंदर से निकालेंगे। सिक्स बीट से रिंग बनाएंगे, इसके लिए हम दो बीट्स लेंगे और अभी जो हमने फाइव रेड कलर की रिंग बनाई है इस रिंग की एक रेड बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे और यहाँ पर सिक्स बीट से रिंग बनाएंगे। अब हम फिर से नीडल को रेड बीट के अंदर से निकालेंगे। यहाँ पर फिर से तीन रेड कलर की बीट्स लेंगे और फाइव रेड बीट से रिंग बनाएंगे। फिर से नीडल को व्हाइट बीट के अंदर से निकालेंगे। अब हम दो बीट्स लेंगे और अभी जो हमने फाइव रेड बीट से रिंग बनाई है उसी रिंग की एक बीट के अंदर से नीडल को निकाल के यहाँ पे भी सिक्स बीट से एक रिंग बनाएंगे। अब फिर से नीडल को रेड बीट के अंदर से निकालेंगे और यहाँ पे तीन रेड कलर की बीट्स लेंगे और दोनों रेड बीट के अंदर से निकाल के फाइव रेड बीट से एक रिंग बनाएंगे। अब फिर से नीडल को व्हाइट बीट के अंदर से निकालेंगे दो बीट्स लेंगे और यहां से इस रेड बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे और फिर से रेड बीट के अंदर से नीडल को निकाल के वहां पे फाइव रेड बीट से रिंग बनाएंगे। फिर से नीडल को व्हाइट बीट के अंदर से निकालेंगे दो बीट लेंगे और इस रेड बीट के अंदर से नीडल को निकाल के यहाँ पे सिक्स बीट से रिंग बनाएंगे। रेड बीट के अंदर से निकालेंगे अब देखिए हमें दोनों साइड को ज्वाइन करना है तो उसके लिए हम
यहाँ से और एक रेड बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। अब दो रेड कलर की बीट लेंगे और यहाँ से इस रेड बीट के अंदर से नीडल को निकाल के यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे और इसी तरह से हम फोर्थ स्टेप को कंप्लीट करेंगे। देखिए बीच में व्हाइट बीट और दोनों साइड पे दो रेड बीट हैं। हमें यहाँ पे एक व्हाइट एक रेड एक व्हाइट बीट लेना है। यहाँ पे सिक्स बीट से एक रिंग बनाना है। अब हम नीडल को फिर से इस साइड पे लाएंगे और बीच में व्हाइट को रखेंगे और दोनों साइड पे दो रेड रखेंगे। देखिए बीच में व्हाइट है और दोनों साइड पे दो रेड है। यहाँ पे हम फिर से एक रिंग बनाएंगे। उसके लिए हम दो बीड्स लेंगे, व्हाइट एक रेड। अभी जो हमने रिंग बनाया है उसी रिंग की व्हाइट बीट के अंदर से नीडल को निकाल के यहाँ पे सिक्स बीट से रिंग बनाएंगे। फिर से नीडल को आगे की तरफ लाएंगे और बीच में व्हाइट को रखेंगे और दोनों साइड पे दो रेड को रखेंगे। तो हमें इस रेड बीट के अंदर से निकालना है। देखिए बीच में व्हाइट है और दोनों साइड पे दोनों रेड है। अब हम एक व्हाइट और एक रेड लेंगे और इस रेड कलर की रिंग के ऊपर जो व्हाइट कलर की बीट है इस बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से नीडल को इस रेड बीट के अंदर से निकालेंगे। देखिए बीच में व्हाइट है और दोनों साइड पे दो रेड है। हमें यहाँ से नीडल को निकालना है। दो बीट लेंगे और यहाँ से इस व्हाइट बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। इस साइड के साथ इस साइड पे ज्वाइन करना है। इसके लिए हम इस व्हाइट बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। एक रेड कलर की बीट लेंगे और इस साइड की व्हाइट बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे और इसी तरह से हम फिफ्थ स्टेप को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने बॉल को बना लिया है। अब हम इन सभी फाइव रेड कलर की बीट से जो रिंग है इस रिंग के बीच में एक ग्रीन कलर की बीट को ऐड करेंगे। इस तरह से एक ग्रीन कलर की बीट लेंगे, किसी भी एक रेड बीट के अंदर से नीडल को निकाल के बीच में एक ग्रीन कलर की बीट को ऐड करेंगे। इस तरह से हमें सभी रेड कलर की रिंग के बीच में एक ग्रीन कलर की बीट को ऐड करना है। तो चलिए ग्रीन कलर की बीट को लगा लेते हैं। देखिए मैंने सभी ग्रीन कलर की बीट को लगा लिया है। अब हम नीचे की तरफ डिजाइन को बनाएंगे। देखिए मेरा थ्रेड यहाँ पे है। व्हाइट कलर की बीट के अंदर से नीडल को मैंने निकाला है। अब सभी व्हाइट बीट की अंदर से हमें इस डिजाइन को बनाना है। तो मैंने यहाँ पे फाइव रेड कलर की बीट लिया है, उसके बाद एक व्हाइट और एक ब्लैक बीट लिया है और ब्लैक बीट को छोड़ के बाकी सभी बीट के अंदर से नीडल को फिर से निकाला है।
यहाँ पे जो व्हाइट कलर की बीट है, यहाँ पे इस व्हाइट बीट के अंदर से हमें निडल को निकालना है। फिर से हम 5 रेड कलर की बीट, एक व्हाइट और एक ब्लैक कलर की बीट लेंगे और ब्लैक बीट को छोड़ के बाकी सभी बीट के अंदर से नीडल को निकाल के बीट के अंदर से नीडल को निकालना है। बाकी 3 व्हाइट बीट से इसी तरह से डिजाइन को बनाना है। तो देखिए मैंने बना लिया है डिजाइन को। अब हम ऊपर की तरफ कीचेन को लगाएंगे यहाँ पे। इसके लिए मैंने ग्रीन कलर की बीट, बीच में कीचेन, फिर से ग्रीन कलर की बीट लिया है। यहाँ से इस ग्रीन बीट के अंदर से नीडल को निकाल के यहाँ पे एक नॉट लगाना है। तो इसी तरह से हमें इस कीचेन को बनाना है। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।